जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोग सामने पुनः एसएससी जीटी का आज छठा सॉल्व प्रैक्टिस चेक कर लाया हूं, जो कि 2021 के जीएस का है और एक बड़ा ही शानदार प्रश्न पत्र है, आप लोग देखिएगा। और मैं जो हमारे सिस्टम में चलता है उसमें मैं एक तरफ तो क्वेश्चन आंसर को बताता हूं, दूसरी तरफ 2022 के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को बताता हूं। इसलिए हम वीडियो आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो में आज मैं थोड़ा छोटा बनाऊंगा, तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अभी तुरंत लाइक करिए, उसके बाद वीडियो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सिक्किम राज्य का पारंपरिक नृत्य कौन है? तो सिक्किम राज्य का पारंपरिक नृत्य प्रश्न आ चुका है, तो 2022 में सिक्किम तो आएगा नहीं, वैसे सिक्किम जानिए सिक्किम का पारंपरिक नृत्य है भोटिया। भोटिया वहाँ की जनजाति, वहाँ के मूल निवासी जो है उनको भोटिया कहा जाता है। तो इस बार जो संभावित प्रश्न है, राजस्थान की घूमर, चादरी, गणगौर, छोड़न लीला, झूमा, सुईसिनी, ये राजस्थान की, ये तमिलनाडु की, ये उत्तर प्रदेश की और ये उत्तराखंड की जो प्रमुख वहाँ के लोक नृत्य हैं, आप इनको याद कर लीजिए क्योंकि इस बार संभावित प्रश्न है। जैसे झोरा, उत्तर प्रदेश की झोरा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट संभावना आने की। हम अगले प्रश्न बैठते हैं, लोथल स्थल हड़प्पा के अवशेषों की खोज किसने की थी? तो लोकल जो अवसर था हड़प्पा का अवसर है और ये स्थल है, इसकी खोज एसआर राव ने की थी, लेकिन इससे संबंधित जो प्रश्न 2022 में आएंगे वह है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल उनके खोजकर्ता। तो सबसे पहले हड़प्पा की बात कर लें, यह मॉन्टेगोमरी पाकिस्तान में स्थित है और 1921 में इसकी खोज हुई थी और ये रावी नदी के तट पर स्थित है। लोथल की बात करते हैं, लोथल अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, लोथल अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अभी अगला प्रश्न इससे संबंधित आएगा और इसे खोजकर्ता रंगनाथ राव जी हैं और ये 1954 में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। नदी से प्रश्न जरूर आता है कि कौन सा हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसमें अगला स्थल है कालीबंगा जो कि गंगानगर राजस्थान में अवस्थित है, 1953 में इसकी खोज की थी और अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी और ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसी तरह चंदूदड़ो की खोज 1934 में हुई थी और सिंध नदी के तट पर है, जबकि इसकी खोज एम जी मजूमदार ने की थी जो कि इस समय पाकिस्तान में स्थित है। सुतका गिंडोर बस्ती बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, हड़प्पा सभ्यता के सबसे पश्चिमी भाग से गिंडोर जो है 1927 में खोज की गई थी और ये दास नदी के तट पर है। उत्तर प्रदेश का स्थान आलमगीरपुर, इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। उत्तर प्रदेश का होने के नाते इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। और इसकी खोज 1958 में हुई थी और ये हिंडन नदी के तट पर स्थित है। इसी तरह सुतकोड़ा गुजरात कक्ष में, आप लोग इन वीडियो की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ज्यादा लंबा जाने वीडियो लंबा पड़ सकता है। अगला प्रश्न कहते हैं, कौन सी इमारत उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ऐसे इमारतों से संबंधित प्रश्न आता है तो हम देखते हैं, एकमा उद्दौला मकबरा आगरा में स्थित है, अकबर मकबरा सिकंदरा में स्थित है, सेम जल सिंह फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जहांगीर का मकबरा ये लाहौर में स्थित है, लाहौर के सहारा नामक स्थान पर स्थित है। जहांगीर के बारे में बता दूं, जहांगीर की जब मृत्यु हुई थी तो इसका मकबरा उसमें नूरजहां ने उनकी पत्नी ने बनवा दिया था, लेकिन 1937 में उनकी मृत्यु के 10 साल बाद शाहजहां ने फिर इनका मकबरा लाहौर में बनवाया। तो इससे संबंधित और बता दें, आगरा की जो प्रमुख इमारतें हैं, आगरा उत्तर प्रदेश आगरा बनाया किला यूनेस्को की विश्व धरोहर से, उत्तर प्रदेश की इमारतें हैं, उतना बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ की एक ऐतिहासिक धरोहर है, इसे आसिफ उद दौला ने बनाया है। इसकी कहानी कल बढ़ाऊंगा डिटेल में, इसकी बड़ी मनोरंजित बड़ी कहानी स्टार्ट बता दूं कि उनके यहाँ अकाल पड़ा था, वो अकाल में अनाज बांटने मुफ्त में अनाज बांटने के अलावा उन्होंने कहा मुफ्त में अनाज मैं नहीं बांटूंगा, इसके वजह उन्होंने एक बिल्डिंग इमारत बनाना चालू कर दी और इमारत को कई बार गिरवाया, लोगों से वहाँ मेहनत करवाते थे फिर उनको अनाज बांटते, तो कहते मैं मुफ्त में अनाज नहीं बांटूंगा, मुफ्त में अनाज बांटने से मुफ्त खोरी बढ़ती थी, जैसे कि हमारे देश में हो रहा है इस समय। रामनगर किला वाराणसी में स्थित है और बुलंदशहर में बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है, 280 फीट ऊंचा है, इसमें 22 सीढ़ियां लगी हुई है। इसलिए कैसरबाग पैलेस कैसरबाग लखनऊ में स्थित है। ये संभावित प्रश्नों को आप जरूर देखिएगा क्योंकि जो प्रश्न आ चुका है वो रिपीट करेगा नहीं। हाँ, ये प्रश्न पिछले पेपर का था, मैंने इसको लिया है, बाबर ने किस युद्ध पद्धति की शुरुआत की इसमें सेना को चारों तरफ से घेर दिया गया था? यहाँ पे युद्ध पद्धति की बात की थी, वह युद्ध पद्धति थी तुगलनुमा और यह पानीपत युद्ध में प्रारंभ किया गया था बाबर के द्वारा। और इसमें बाबर के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए, बाबर जो है अफगान का शासक था, शेख मिर्जा और कुतुब निगार का पुत्र था। जब पानीपत के युद्ध में दोनों सेनाएं आमने सामने गिर गई थी, उस समय बाबर ने, ये पानीपत का मैदान था, तो बाबर ने यहाँ गड्ढा करवा दिया, यहाँ गड्ढा करवा दिया, यहाँ गड्ढा करवा दिया और यहाँ पर अपनी तोपें लगवा दी। और बाबर की कुशल नीति के कारण ही पानीपत का युद्ध बाबर की सेना जीत सकी, क्योंकि बाबर की जो सेना थी इब्राहिम लोदी के मुकाबले बहुत ही कम थी। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, कौन सा महान यात्री द ग्रेट डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न पुस्तक लिखा हुआ है? तो इसका उत्तर हुआ जुआन जान ने लिखा हुआ है और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं, मेगास्थनीस, मौर्य काल का इतिहास ने लिखा था, इसकी पुस्तक का नाम था इंडिका, इसने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखी है, मौर्य काल का इतिहास है। डायमेकस जो कि सीरिया के शासक एंटियोकस का प्रथम राजदूत था और यह बिंदुसार के दरबार में आया था, यह बिंदुसार के दरबार में आया था डायमेकस। फायान जो कि चीनी बौद्ध यात्री था और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था और भीमसा जिसको कि यात्री राजकुमार कहा जाता, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था, यह सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, यह सम्राट हर्षवर्धन शासन काल में था और यह 14 वर्ष तक यहाँ भारत में रहा। उस बाद अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था, महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था और इसने अपना विस्तार किया था ताकि के हिंद
टर्की के हिंद ने इसका विस्तार से अपना वर्णन किया हुआ है। उसके बाद विलियम हॉकिंस, विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत थे और 1608 में जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय संविधान संशोधन द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों को उपाधियां और विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए। जब हमारा देश आजाद हुआ था उसमें भारत में लगभग 562 देशी रियासतें थी, लेकिन उन सबको सरदार पटेल ने एक किया जिनके कारण उन्हें लॉ क्रूज़ भी कहा जाता है। तो इन सब 562 देशी रियासतों कुछ इनको कुछ रियायतें दी गई थी जो अंग्रेजों के समय से चली आ रही थी, लेकिन संविधान के 26वें संशोधन प्रिवी काउंसिल 26वें संशोधन 1971 के द्वारा उनको ये प्रिवी काउंसिल के दिए गए विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया, जैसे उनकी उपाधियां होती थी और चीज विशेष अधिकार था। अगला प्रश्न है, दुर्योधन सिंह नेगी का संबंध किस खेल से संबंधित है? ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं, तो दुर्योधन सिंह नेगी तो बॉक्सिंग से संबंधित है, लेकिन मैं आपको बता दूं जब भी आप एग्जाम देने जाइए उस समय के एक करंट का प्रश्न बनता है, जो भी एग्जाम हुआ हो, जो भी स्पोर्ट्स हुआ हो जो कि फेमस स्पोर्ट्स ना हुआ हो, जैसे क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, इन सब का स्पोर्ट ना हुआ हो, जैसे बॉक्सिंग हो गया, कबड्डी हो गया, इन सब का कोई स्पोर्ट हो उसके प्लेयर को याद रखिए। खासतौर से तैराक और बॉक्सिंग से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि यह प्लेयर किस खेल से संबंधित है। तो हमारा अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह अकबर ने किस मंत्री ने कराधान, अकबर के किस मंत्री ने टैक्सेशन की पद्धति थी दशहरा पद्धति, यानी कि 10 साल का टैक्स वसूला जाता था या 10 साल की कर प्रणाली लगाई जाती थी उसको दशहरा पद्धति कहा जाता था। यह अकबर के जो दीवान थे टोडरमल बहुत ही बुद्धिमान थे और इन्होंने इसको शुरू किया था, वो एक हिंदू थे टोडरमल। और अकबर के नौ रत्नों के बारे में बात कर लेते हैं, अकबर के नौ रत्नों की हमने एक ट्रिक भी दे रखी है आपको, अबुल फजल, फौजी, तानसेन, बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान काना, हकीम हुक्का और मुल्ला दो प्याज, ये अकबर के नौ रत्न हैं। यहाँ मैं आपको सबके बारे में पता ही हुआ, यहाँ मैं आपको बता दूं अब्दुल रहीम खान खाना जो है ये रहीम दास जी हैं, ये रहीम नाम से कविता लिखते हैं, जो हमने हिंदी में रहीम पूछते हैं कह रहीम कैसे नहीं, रहीम के दोहे कबीरदास के दोहे के साथ रहीम दास के दोहे पढ़ते हैं। तो रहीम अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खान के पुत्र थे और अकबर ने इनको गोद ले लिया था क्योंकि बैरम खान के मृत्यु के बाद अकबर इनकी मां से अकबर ने विवाह कर रखा था। तो रहीम के नाम से एक कविता लिखते थे, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और जजिया कर को पहली बार अकबर ने समाप्त किया था 1564 में, लेकिन फिर 1575 में इसको पुनः प्रारंभ कर दिया, लेकिन 1589-80 में इसको पुनः समाप्त कर दिया। जजिया कर के बारे में बता दूं, जजिया कर तो बहुत पहले चल रहा है, लेकिन ब्राह्मणों को जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, ये पहला ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों को जजिया कर लगाया था, नहीं तो ब्राह्मणों को जजिया कर किसी ने लगाया नहीं था। अगला प्रश्न है हमारा धमनियों के बारे में प्रश्न दिया गया है कि धमनियां छोटी नालियों में विभाजित होती हैं और उत्तकों तक पहुंचने के लिए एक अत्यंत पतली नाली से विभाजित होती हैं, तो उस पतली नाली का क्या नाम है? तो उस पतली नालियों को कोशिकाएं कहा जाता है। कोशिकाएं जो होती हैं पतली नालियां होती हैं जिससे विभाजित करती हैं। मैं आपको यहाँ धमनियों के बारे में अंतर बता दूं, आप लोग वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर चलिएगा जिससे आपको बाद में पढ़ना आसान पड़ जाए। धमनियों की मिट्टी लचीली होती है, धमनियों को मेन देखिए मेन है इंपॉर्टेंट है, धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त होता है, यानी कि यह शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है धमनियों में, शुद्ध रक्त होता है, जबकि सिराओं में कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि विषैला होता है इसकी वजह से ये अशुद्ध होता है, ये अशुद्ध होता है और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है इसलिए इसका रंग नीला होता है, और ये शुद्ध होता है इसलिए इसका रंग लाल होता है। बाकी आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए। हमारा आखिरी प्रश्न है आज का, धौलावीरा लोथल किस प्रांत में स्थित है? धौलावीरा और लोथल जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल है, मैंने कहा देखिए हड़प्पा से एक ही साल में दो प्रश्न आ गए, यानी हड़प्पा से प्रश्न जरूर आता है, हड़प्पा सभ्यता आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो धौलावीरा और लोथल ये गुजरात प्रांत में स्थित है, इसका जो एक्सपेक्टेड प्रश्न है आपको बता दूं कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। हड़प्पा में जो चीज मिली थी वह है मनुष्य के शरीर के बलुआ पत्थर की बनी मूर्ति, अन्नागार और बैलगाड़ी। जबकि लोथल की बात करें तो ये गुजरात के कैंबे की खाड़ी में नजदीक भोगवा नदी के तट पर स्थित है, यह मानव निर्मित बंदरगाह है, यहाँ गोदीवाड़ा, चावल की भूसी, अग्निवेदिकाएं और शतरंज के खेल के साक्ष्य मिले हुए हैं। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने कमेंट बॉक्स में भेज करके हमें अपनी समस्याओं को और वीडियो में किए गए सुधार को बताएं जिससे वीडियो को आपके अनुसार बना सके। धन्यवाद।